सुरभी चंदा ने त्योहार के लिए बनाई खास खीर। भाई लॉकडाउन के चलते आजकल रसोई घर में तरह तरह की डिशेज आजमा रही हैं और जब त्योहार का मौका था तो इन्होंने कुछ खास अपनी रसोई में बनाया। मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज मौका है और दस्तूर है और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और आप सबके साथ ईद मनाती हूँ। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ बट मैंने आज सोचा कि ईद है तो मैं कुछ मीठा बनाऊं, आप सबके साथ वो रेसिपी शेयर करूं, आप सबके साथ वो खाऊं। सो आई एम गोइंग टू व्हिप अप समथिंग। इट्स अ गोवन डेलिकेसी, इट्स कॉल्ड सेरादुरा, गोवन सेरादुरा। तो आज हम कुछ गोवन सेरादुरा बनाएंगे एंड यू कैन ट्राई इट एट होम बिकॉज ज्यादा चीजें चाहिए। व्हाट ऑल वी नीड सम क्रीम, अमूल क्रीम, व्हाटएवर क्रीम यू हैव यू कैन गेट सम क्रीम। वी नीड सम क्रीम अगेन बट दिस वन्स विद कंडेंस्ड मिल्क, सो दैट्स वन थिंग। एंड वी नीड सम बिस्किट्स, मौरी बिस्किट्स, जिसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज इसे हमें व्हिप करना है, ओके लॉट्स। ये जो नॉर्मल क्रीम है जिसमें कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसको हमें व्हिप करना है टू मेक इट मोर थिक। ये जो मैं गोवा गई थी ना तो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी डिश एंड आई फेल इन लव विद दिस। A machine, like a whisker machine to whisk the cream, but मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथ का मजा है ना वो कहीं नहीं है। So this is kind of thick now. Now we have the condensed milk. मैंने already डाल दिया था with what you call cream and वो स्वीट ऐड करने वाला है इसमें। अच्छा गाइज, यू कैन ऑल्सो पुट सम वनीला एक्सट्रैक्ट, वेरी लिटिल इफ यू हैव। मेरे पास घर पे नहीं था एंड मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट गो विद दिस सिंपल रेसिपी। सो यस, एंड वी जस्ट नीड दिस अ बोल टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। मेरे घर पे मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, पूरा टाइम हम खाने के बारे में सोचते हैं, खाने के वीडियोस देखते हैं और खाने के शोज देखते हैं। आई एम गोना टेक दीज मारी बिस्किट्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट देम टुगेदर। ऐसे मैं इसको बिठा दूंगी, ओके या दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सेटल इट। मैं यार इसको सेटल तो कर चुकी हूँ, मैं कितने भी ऐसे शोज और वीडियोस देख लूँ बट आई डाउट आई कैन अचीव दैट परफेक्शन। बट इसको ऐसे सेटल करना है, यू नो ऑल्सो द बोल शेप इज इम्पॉर्टेंट। तो ये एक लेयर जा चुका है ऑफ दिस मैरी बिस्किट्स एंड दे स्मेल नाइस। ओके नाउ वन लेयर ऑफ दिस, द अदर लेयर गोज ऑफ द क्रीम। ओके क्रीम विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मीठा बट या सो वन लेयर ऑफ दिस क्रीम इसको हमें ऐसे सेटल करना है। खाने वाली मैं ही हुई है डिश इसलिए मैंने बहुत कम बनाई है। यू कैन सी वन लेयर ऑफ द बिस्किट, इट्स नॉट परफेक्ट बट या ओके। नाउ वी हैव अनदर लेयर ऑफ बिस्किट। Small layer of biscuit, the cream, another layer of biscuit, and the final thing that we need is the condensed milk and cream. And we will put this layer together. This looks ready. Okay. You can see it. ये थोड़ा शेपलेस है बट इट इज गोइंग टू टेस्ट यम। ओके सो फाइनल थिंग दैट वी नीड इज माय हैंड्स आर क्लीन ऑफ कोर्स और मैं फाइनली थोड़े बिस्किट को ऐसे डाल दूंगी, जस्ट द फाइनल टचेस एंड माय गोवन सेरादुरा इज रेडी टू ईट। ओके सो व्हाट वन कैन डू इज इसको
इसको आप इमिडिएटली ठंडा करने रख सकते हैं एंड मैं भी इसे थोड़ा ठंडा करूंगी, पर आपके लिए मैं एक टेस्ट करना चाहूंगी। ये मुझे भी एक्चुअली चेक करना है कि मैंने कैसे बनाया है। ओके, सो आई पुट दिस स्पून इनसाइड द डेजर्ट। ओ माय गॉड, ओके, it is not exactly like I had it in Goa, but it is not bad at all. It is yum. It is yum. It just needs to just cool down. और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, खाइए मीठा और खुश हो जाइए।